विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। बोलो हरे कृष्ण सवाल बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। अरे बार जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में श्री धाम नवदीप परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुंचे हैं, ये श्री सच्चिदानंदन गौर हरि का जन्म स्थान है, ये अभिर्न ब्रज मंडल है। होने का नाते ब्रज का ये कौन सा स्थान है, बोले गोकुल। जैसे अष्टदल कमल है, ये नवदीप धाम है, ये नौ दीप। हम पहले श्रवण किया था कि जो नवदीप है ये नवदीप नहीं, श्री राधा रानी स्वयं श्याम सुंदर के प्रीति के लिए अपना हृदय से ही ये नौ निकुंज उन्होंने प्रकट किया है, इसलिए ये नवदीप धाम नहीं, ये राधा जी की हृदय से निकलते हुई ये निकुंज मंदिर श्री नवदीप धाम है। इसलिए ये जो स्थान है ये अभिर्न गोकुल है। जैसे अष्टदल कमल का फूल जैसे होता है, इसलिए ये कर्णिकार है। और जो आठ जो निकुंज मंदिर आठ जो दीप है ये आठ पंखुड़ी जैसे है। इसलिए यहीं पर ही श्री अद्वैत आचार्य जब उन्होंने देखा जगत कैसे कृष्ण विमुख होकर के कृष्ण भक्ति से विमुख होकर कैसे कुत्ता कुत्ती बिल्ला बिल्ली शादी में करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, माता देवी को सामने बलि चढ़ाते हैं, यह चीज देखकर श्री अद्वैत आचार्य बड़े चिंता में पड़े। बल्कि ये जीवों का कल्याण कैसे होगा, अभी प्रश्न है इनको इतना चिंता क्यों है। इसलिए ये अद्वैत आचार्य कोई नहीं, ये महाविष्णु श्री सदाशिव श्री अद्वैत आचार्य जिन्होंने माया को प्रति बोले माया अध्यक्ष ने प्रकृति स्वयते सचराचर, जैसे वही माया को इखन करने पर ये माया अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करती है, इसलिए ये जगत का सृष्टि करता है। अभी जिसने ये जगत को सृष्टि करता है उसका कर्तव्य है ये जगत को पालन करना, भी उनका कर्तव्य है। पालन कैसे होता है, खाना पीना देकर एक तरह का पालन होता है, लेकिन ये असली पालन नहीं, भगवत भक्ति दे करके असली पालन होता है। इसलिए अद्वैत आचार्य जो सारे ग्रंथों को ढूंढने लगे। अभी यहाँ पर दूसरी प्रश्न आती है, अद्वैत आचार्य ये सोच रहे हैं क्योंकि महाविष्णु कलियुग का युग धर्म है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, कभी ये युग धर्म क्यों पालन कर सकते हैं, क्यों ये महाविष्णु है। लेकिन अभी अद्वैत आचार्य जो सोच रहे हैं, लेकिन ये जो कलियुग है ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं, जिसको श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार के जावी रे भाई भव सिंधु पार। ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं, इसे ब्रह्मा का एक दिन में श्री सच्चिदानंद गौर हरि एक बार इस जगत में आकर के, जिसको श्री श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं ए मन गौरांग बिना नहीं यार है न अवतार, हवे की होए छे हे न प्रेम परचार, दुरमति अति पतित पासनी प्राणी न मारिल करे, हरि नाम दिया हृदय सोधिल जाची गिया घरे घरे। अभी श्री अद्वैत आचार्य जो सोच रहे हैं ये कलियुग में स्वयं श्री महाप्रभु आने वाले, हर कलियुग में महाप्रभु नहीं आते हैं। और दूसरी चीज है इसी अवतार में ही कहते ब्रह्मा विरीन चिर वांछित जे प्रेम जगत फैलिल ढाली कांगाले पाइया खाइल नाचिया बाजा या करताली। इसी अवतार में ही आकर के उन्होंने ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जिस प्रेम के लिए तरसते हैं वो प्रेम को श्रीमान चैतन्य महाप्रभु केवल बाजा या कर ताली, कर मतलब हाथ मतलब ताली, अगर थोड़ी सी ताली बजाते हुए बोला हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। केवल इतनी सी मात्रा से ही वो दुर्लभ प्रेम को श्रीमन महाप्रभु कलयुग में देने वाले हैं। इसलिए कहते चंडाले ब्राह्मणे करे कोलाहली कबेरा छिलय रंगा। अपने कभी देखा है चंडाल और ब्राह्मण एक साथ में एकत्रित होकर के निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी हो। कभी आपने इसे देखा है कभी ये लीला को? इसलिए श्री अद्वैत आचार्य जो सोच रहे हैं ये चीज को मैं नहीं दे सकता हूँ, ये चीज तो मेरे प्रभु ही दे सकते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने सारे शास्त्र को ढूंढे, उनको अवतीर्ण करने का सबसे सरल उपाय किया। उन्होंने एक श्लोक उनको मिला, तुलसी दल मात्र न तुलसी चुलक देवा। अगर कोई एक गंडूस गंगा पानी अगर उसमें एक तुलसी दल दे करके अगर कोई उनको अर्पण करे तो भगवान उनको ऋणी से मुक्त होने के लिए सर खुजलाना शुरू कर देते। क्यों? उनका ऋणी से मुक्त कैसे करेंगे? अद्वैत आचार्य यहीं पर ही गंगा जल और तुलसी दे करके उन्होंने भगवान का आह्वान किया, जिसके लिए महाप्रभु कहते हैं सुतिया आचर खीर समुद्र सागरे निद्रा भंग हरिलमर नाड़ा ढूंढारे। अद्वैत आचार्य भगवान को आसन को उन्होंने हिला दिया हाँ? यहीं पर ही जिस समय पूर्णिमा चंद पूर्णिमा और उसके साथ महाप्रभु सोच रहे हैं इसी जगत में जद्य भी उनका आने का विशेष कारण है, उसमें एक कारण है हरिनाम संकीर्तन। महाप्रभु सोच रहे हैं मैं ऐसे समय पर आना चाहता हूँ जिस समय सबके सब श्री हरिनाम कीर्तन करते रहे। इसलिए जिस समय से चंद्र ग्रहण हुआ महाप्रभु चंद्र ग्रहण को उद्देश्य करते हुए जितने सारे नवद्वीप धाम निताई गौर प्रेमानंदे हरी 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 हो सबके सब गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, उसी समय ही श्री चैतन्य महाप्रभु यहीं पर प्रादुर्भूत होते हैं, यहीं पर प्रादुर्भूत होते हैं। इसलिए ये स्थान ये जो नवद्वीप धाम है कहते नौ तरह का भक्ति में वो एक भक्ति है। बोले कौन सा है? कहते इसलिए आत्मनिवेदन, ये अंतरदीप श्री आत्मनिवेदन है। इसलिए पिछली बार कुछ वैष्णव लोग अच्छी बात बोल रहे थे, एक तो आत्मनिवेदन नौ तरह का भक्ति में लेकिन विशेष आत्मनिवेदन किया है। ये विशेष क्या आत्मनिवेदन है? कहते ये आत्मनिवेदन है जिस समय भगवान कृष्ण उन्होंने संपूर्ण ब्रज में आकर के सारे इच्छाओं को उन्होंने पूरी की है, भगवान होते हुए भी सख्य रस को आस्वादन किए, भगवान होते हुए भी मैया जिसको कान बोल देती थी उखल में बांध देती थी चोर चोटे कहती थी, भगवान होते हुए भी जहाँ पर उन्होंने कहते नपारे अम निरबद्ध संजा जहाँ पर गोपियों के चरण में कहते तुम्हारी ऋणी से कभी मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ, जहाँ पर कहते स्मर गर्ग खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव उदारम जहाँ पर श्री राधा रानी के प्रेम को पाने के लिए स्वयं नतमस्तक कर देते हैं। अभी कृष्ण गोलोक वृंदावन में सोच रहे हैं एक चीज तो मेरे दिमाग से ऊपर चला गया, बोले वो क्या है? बोले राधा या प्रणव महिमा की दृश्यम, राधा जी की क्या प्रेम की महिमा है, मेरे क्या अद्भुत रूप है। मैं स्वयं जब अपना रूप को मैंने पिलर को मणि स्तंभ को ऊपर में दर्शन करता हूँ कहते अपर कलित पूर्वम कश्च मत कारकारी, कृष्ण स्वयं अपना रूप को देकर मुक्त हो जाते हैं। इच्छा करते कब मैं राधा रानी होकर के ये स्वरूप को मैं आलिंगन करूँ और राधा रानी कैसे वो प्रेम का आस्वादन करते हैं। इसलिए आत्मनिवेदन मतलब है विश्व ब्रह्मांड कृष्ण के चरण में आत्मनिवेदन करते हैं। लेकिन ये जो स्थान है जहाँ पर स्वयं परात पर तत्व जो ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण जो कृष्ण है जिसको कहते हैं जस्य प्रवाह प्रभुगतो जग दंड कोटि कोटीसु अशेष वसुधातिर्भितविर्णम, आज वो परम ब्रह्मा जी किसके चरण में आत्मनिवेदन किए हैं? श्री राधा जी के चरण में आत्मनिवेदन किए हैं। और कलयुग में राधा भाव दुति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के यहीं पर श्री सचिनंदन गौर हरि यहीं पर अवतीर्ण होकर के यहीं से मूल स्कंध रूप में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु दो स्कंध उसमें शाखा प्रसखा होते हुए उसमें विशेष करके हमारे मधुसूदन महाराज क्या करते थे उसमें विशेष करके प्रभुपाद आए, फिर उसमें श्री श्री भक्ति विनोद श्री
बिना समंजर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आए, लेकिन उसी में ही उसमें तीन पुष्प आए, एक भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और एक भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। इसलिए कोई हमारे नवद्वीप जवाब देवानंद गौड़ीय मठ में परम गुरुदेव जब क्लास दे रहे थे, बोले यहाँ पर इतने सारे खाली जगह पेड़ क्यों नहीं लगाते हो? उन्होंने बोले देख रहे थे पेड़ है, पेड़ में जो फूल होगा कहाँ तो खुशबू जाएगी थोड़ी दूर तक, लेकिन ये फूल का जो खुशबू है ना केवल भारत नहीं एक दिन संपूर्ण पृथ्वी में इसकी खुशबू जाएगी। और सचमुच से उसमें एक सुंदर फल हुआ है, सुंदर फूल हुआ है। कौन भैया बताता? श्रीला भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज ऐसे एक सुंदर फूल हुए जिसकी सौरभ वाले भारत नहीं, जिसका सौरभ संपूर्ण पृथ्वी में गया है और जिसमें आकृष्ट होकर के आप जैसे समझे सब अच्छे अच्छे भौरा आकर के वो रस का आस्वादन कर रहे हो। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए महाप्रभु का जन्मस्थान हम उनसे प्रार्थना करें। वो जिस काम के लिए इसी जगत में आए वो अनर्पित चरिचिरा निकुंज की सेवा देने के लिए, उसका एक बूंद अगर हमारे आस्वादन का विषय हो हमारा जीवन धन्य हो जाए। बच्चा कल मुद्रभ्रष्ट कृपा सिंधु दैवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।